वरुण बोले। हाँ आई एम सॉरी, मैं रो दिया थोड़ा। मैं सर और तई को बिल्कुल भी थैंक्स बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर थैंक्स बोल के किसी का 1% भी कर्ज़ा कम होता है तो मुझे नहीं करना है। मैं ज़िंदगी भर आपका ऋणी हूँ। मैं 2006 में मैंने 10वीं पूरी की, 21 मार्च को मेरी परीक्षा ख़त्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई। हमारी छोटी सी बाइसिकल रिपेयरिंग की दुकान है, तो पापा के जाने के बाद एक निर्णय लिया कि घर के सब प्रेशर डालने लगे कि अभी घर का किसी को तो का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया, यार अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या करना है, 10वीं कर ही ली थी, दुकान रिपेयरिंग की है। बट एक समय पर मेरे पापा बहुत बड़े सप्लायर थे, होलसेलर, चोरी वोरी हो गई थी तो बाद में धंधा कम हो गया। सो एक डिसीजन लिया कि अभी पापा के धंधे को वापस रिवाइव करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करेंगे, और पढ़ाई छोड़ने का पूरा मन बना के मैं धंधे में आ गया। 1.5 महीना मैंने फुल तरीके से बिज़नेस बढ़ाने के लिए पूरा प्लान वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया 10th का, तब मैं अपने स्कूल में टॉपर था। घर पे आया, सब रो रहे थे। अभी बहुत अजीब लग रहा है, मैं कल इतने सर इतने इंटरव्यूज दिए, मैं कभी नहीं रोया, पता नहीं है, चाणक्य मंडल का स्टेज है, अपने परिवार जैसा है, इसलिए रोना आ रहा है। हाँ तो मैं घर पे आया, मम्मी से बातचीत हो रही थी, फिर मम्मी ने तभी मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग सब काम करने वाले हैं, तू पढ़ाई कर। तो 11th और 12th ये दो मेरी ज़िंदगी के अभी तक सबसे कठिन वर्ष रहे। मेरा उस समय शेड्यूल ऐसा था, मैं सुबह 7 बजे 6 बजे उठता था, निकलता था 7 बजे कॉलेज, 1 बजे वहाँ से, 2 बजे से रात को 10 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मेरे को 1 मिनट सेटल नहीं देंगे, या प्लीज ओके। मुझे यूजुअली रोना नहीं आता ये सब बताते हुए, मैं बहुत प्राउड हूँ ये सब चीज़ के लिए, लेकिन गॉड नोज क्यों हो रहा है। ओके सो मैंने फिर मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कॉलेज में रहता था, आता था 2 बजे से रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़ाता था, 10 बजे रात को दुकान पे जाके हिसाब किताब करके दुकान बंद करके वापस घर पे आते थे, फिर रात को पढ़ाई, वही 12-1 बजे तक सोना, जैसे अभी शेड्यूल है वैसे तभी भी था। तो मेरी मम्मी उस समय दुकान चलाती थी, मेरी बड़ी बहन है मुझसे एक, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो मेरा 11th 12th जो है पूरा इसी तरह से गया हुआ है। तो मुझे अभी मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा था और मुझे एडमिशन लेने के लिए, वो अभी डोनेशन लगता है ना, तो 10,000 रुपये हमारे यहाँ एक ही कॉलेज अच्छा जहाँ पे पढ़ाया जा सकता, सो वहाँ पे 10,000 रुपये डोनेशन था, भरना था, पैसे नहीं थे। तो ऐसा मैं और मम्मी ऐसे दुकान पे बाहर बैठ के ऐसे चर्चा कर रहे थे, मैं बोला मम्मी को, मम्मी जाने दो क्या करना है, मेरा मन वैसे भी बन चुका था मेरे को दुकान करना है ना, सो मैं बोला मम्मी जाने दो क्या करना है पढ़ाई करके, मैं 1 साल रुकता हूँ, अगले साल वापस से देखा जाएगा कुछ होगा। और मम्मी वैसे मायूस बैठी थी। तो मेरी पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर मेरी दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा निकले थे, और वो मुझे देख के रुके वहाँ पे, रुके, उन्हें पूछा क्या चल रहा है, तो मैंने पूरा बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने सोचा है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, है ना। तो उन्होंने अपनी जेब से तुरंत 10,000 रुपये निकाल के दिया, बोला ये लो जाओ एडमिशन करवा के आओ। लिस्ट, सेकेंड लिस्ट लगने को आधा घंटा बाकी था तब मैं वहाँ पहुँचा, है ना, और बहुत रिक्वेस्ट की, लिस्ट बन चुकी थी सेकंड लिस्ट, है ना, बहुत रिक्वेस्ट की, ऐसा करके मेरा 11th 12th का एडमिशन हुआ। एडमिशन तो हो गया, 600 रुपये महीना फीस है, क्या किया जाए। तो मैं जब पहले एडमिशन लिया तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ क्लियर थी, मैं पैसे भरने वाला नहीं हूँ, है ना, मैं बोला मैं जी तोड़ पढ़ाई करूँगा, मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँगा, मैं बाद में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। पहले ही महीने में मैं क्लास में, अभी भी जो लोग जानते हैं मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, मैं एक भी क्वेश्चन पूछ लो तो सब थोड़ी आवाज़ मजबूत लगती है, है ना, तो सारे टीचर्स इंप्रेस हो गए और सबको पता चल गया था कि मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है। 2 साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने भरी है, मैंने 1 रुपया फ़ी भरा नहीं है 11th 12th। इसके बाद 12th का CET वगैरह दिया, ये सबके मैंने 1 रुपया मेरी पढ़ाई पर आज तक खर्चा किया नहीं है। मेरी मम्मी ने किया है, ऑफकोर्स बहुत कम किया कंपेरेटिवली, मेरे को सबका, मेरे फॉर्म्स का पैसा कोई भर देता था, मेरे बुक्स का पैसा कोई दे देता था, ऐसा हुआ है। CET दी, CET में 180 मार्क्स आए 200 में से,
ये हुआ कि एडमिशन लेना है। अब इंजीनियरिंग में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो मम्मी ने 2 साल में पैसे जमा करके रखे थे, बहन कमाती थी, मेरी सैलरी थी। फर्स्ट ईयर का हो गया, बोला फर्स्ट ईयर में जाके 1 लाख रुपए का पूरा बजट था, 70,000 फीस, रहना खाना, 1 लाख रुपए का बजट था। बोला ठीक है, अपना फर्स्ट ईयर हो गया, एडमिशन ले लिया। अगेन सेम थिंग, मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर का फीस भर दिया, सेकंड ईयर का फीस भरने का नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जब देखो ये, अब मैं यहाँ पे, अब ठीक है, अब मैं मेरे फॉर्म में आ गया। ओके, अभी यूपीएससी में जब हम प्रिपरेशन करने आते हैं तो सबसे पहले हमको बताया जाता है कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है ना। अभी जैसे भैया ने बोला कि वरुण जितना बोलता है उतना ईजी पेपर भी नहीं है, है ना। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। देखो, आप जब जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से जाते हैं बात करने के लिए। ठीक है, यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है, 0.3% से भी कम। सो अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो चांसेस है कि 100 के 100 सक्सेसफुल नहीं रहे होंगे, है ना। तो इसके लिए बाहर एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फियर है कि आप एग्ज़ाम दोगे तो लोग क्लियर ही नहीं होते, है ना। तो इसके लिए आपको लगता है कि कितना भी पढ़ लो आप क्लियर नहीं होगे, इसलिए आपको लगता है बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है। सो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मुझे पता था यार मेरे को 80 IAS बनते हैं यार हर साल, मेरे को एक ही सीट चाहिए, मेरे को 80 सीट नहीं चाहिए, है ना। तो जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो फर्स्ट ईयर में भी सेम सिचुएशन थी, यानी मैं ये सोच के तो आया था पढ़ के मेरे को मार्क्स लेने हैं, ऐसे मेरे को स्कॉलरशिप लेनी है। फर्स्ट ईयर में आया, सबने डराने लगे, यार इंजीनियरिंग में तो बैकलॉग लगता ही है ना, बिना बैकलॉग के अगर तू पास हो गया तो इंजीनियरिंग की ही नहीं है। ठीक है, जो टॉपर लोग होते हैं वो अलग ही दुनिया के होते हैं। सो मैं थोड़ा सहम गया, लोगों ने क्लासेस वगैरह लगा लिए, सब्जेक्ट के लिए मैं क्लासेस लगा नहीं सकता था, तो मैंने फुल टाइम अच्छी तरह से मैंने बोला यार इनको हटाओ, मेरे को जो करना मैं वो करता हूँ। ठीक है, ये एटीट्यूड मेरे अंदर मेरी मम्मी की वजह से आया, मेरे को जो करना है उस पर ध्यान देता है, दुनिया क्या बोल रही है उसे क्या करना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ाई शुरू की, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 86% टाइम यूनिवर्सिटी टॉपर था। जब 86% आ गए, सारी टीचर्स ने नोटिस किया, अरे 86% MIT का रिकॉर्ड है। अब बाद में ब्रेक हो गया, अभी तो कुछ भी आ जाते मार्क्स। ठीक है, तो उस समय रिकॉर्ड था, तो टीचर्स ने नोटिस किया, अरे ये कौन है। फिर माधवी लता मैडम नाम की एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, तो वो उन्होंने मेरे को राखी बांधी है, शी इज़ माई राखी सिस्टर। तो उन्होंने बुलाया, अरे वरुण क्या है। तो मैंने मैम को पूरा सिचुएशन घर की मेरी एक्सप्लेन की, और उन्होंने एक प्रोफेसर से लेकर डीन से लेकर डायरेक्टर से लेकर हर एक को मेरी सिचुएशन पहुंचा दी, एंड उस वहाँ से एक प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था तो मेरी फीस मेरे फ्रेंड्स ने भरी है ना, फ्रेंड्स ने, उनके पेरेंट्स ने। मेरा एक फ्रेंड शायद यहीं बैठा है, अभी आया है, मैसेज आया था। ओके, तो सेकेंड ईयर में ऐसा हो गया, फिर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मेरे को फ्रीशिप मिल गई, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। इंजीनियरिंग होने के बाद अभी ये सिविल सर्विसेज का भूत कैसे आया, अभी इंजीनियरिंग के बाद मैं प्लेस, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ यूनिवर्सिटी का। ऐसा था कि अभी इंजीनियरिंग के बाद क्या, जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यूज़ दिए, जॉब्स लग गई मेरे को, बहुत 5-6 जगह से अभी भी ऑफर्स हैं, मतलब स्टैंडिंग है, बोला कि अभी भी आपको आना है, आप कॉल करो, आ जाओ। ठीक है, सो प्लेसमेंट अच्छी हो गई थी, लेकिन हमको भूत सिविल सर्विस का तब तक चढ़ चुका था। कैसा हुआ, मैं 2011 में अन्ना हज़ारे का मूवमेंट शुरू हुआ, मेरे दोस्त लोग काफ़ी अच्छे हैं, है ना, तो हम लोग ऐसे चर्चा करते रहते थे यार क्या चल रहा है दुनिया में, है ना। तो ऐसे अन्ना हज़ारे का सारे बोलते थे यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, कुछ तो देश के लिए करना चाहिए, तो हम लोग बोलते थे यार ये क्या है, कुछ करना चाहिए क्या अपने को ऐसे, है ना। तो हुआ कि हाँ यार ठीक है, सोचते हैं कुछ करते हैं। तो सबसे पहले सोचा था कि अपने स्टडीज़ से रिलेटेड ही कुछ करेंगे, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो सबको हेल्प हो सके। तो बी में प्रोजेक्ट लिया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बोला यार प्रोजेक्ट का तो वाट लग गया। ठीक है, तो हुआ कि और कुछ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले, मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिली थी, तो मैंने बोला यार कॉर्पोरेट में नहीं जाते, हमको अपने टेक्निकली रहना है, हम पब्लिक सेक्टर में जाएंगे। पब्लिक सेक्टर की तैयारी मतलब गेट वगैरह की, मैंने गेट थर्ड ईयर में दी थी, मेरा रैंक 384 आया, फाइनल ईयर में दी 143 आया। बोला यार अब तो सेट है, IIT मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। ये PSU का जॉब मिल गया, तब मैं कुछ लोगों से मिलने गया, है ना, ऐसे ही चर्चा करते करते। तो उन्होंने बोला यार तू टेक्निकली इतना अच्छा है ना, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्राइट, व्हाई डोंट यू गिव IES इंजीनियरिंग सर्विसेज।
अब मैंने सिलेबस देखा, बोला यार ये तो अपना ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इंजीनियरिंग सर से तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, मैंने गेट दे दी थी और आई वाज अबाउट टू टेक एडमिशन। तो मैंने बोला यार इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हैं, पीएसयू छोड़। तो मैंने पीएसयू को नहीं लिया, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू की। 3-4 महीना मैंने वो किया, ठीक है, 3-4 महीना वो किया। तब लोगों से बातचीत चालू ही रहती है, आप वैक्यूम में जाके पढ़ाई नहीं शुरू करते, है ना। सो आप लोगों से बातचीत करते हो, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया है तो इतना ब्राइट है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों करा, तो सिविल सर्विसेज देख, है ना, वो तो और बड़ी पोजीशन है। तो मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है ना, तो सिविल सर्विसेज का देखते हैं क्या है। तो पहले तो उठाया हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं समझा, मैं बोला यार ये तो सर का दर्द है ना। तो उसके बाद मैंने बोला करेंगे। तो मैं एक जन से मिलने गया था, मैं यहाँ पे दूसरा रीज़न बताता हूँ हम क्यों पीछे रह जाते हैं। मैं एक जन से मिलने गया था, वो बोल रहे थे कि यार यूपीएससी में जो पास होते हैं ना ये तो 30 मार्क खान होते हैं, है ना, मतलब ये। तो देखो जब भी आप जब आप खुद को सब स्टैंडर्ड समझने लगते हो कि यार वो 30 मार्क खाने में सब स्टैंडर्ड हूँ, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सब स्टैंडर्ड में कभी कॉम्पिटिशन नहीं होता, ठीक है। अगर आप खुद को सब स्टैंडर्ड मान लिए है तो आप कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम्पीट ही नहीं कर सकते, है ना। तो मैं जब उनसे मिलने गया था तो मैंने उनको बोला था कि वो होगा 30 मार्क खान, मैं भी 30 मार्क खान हूँ, ठीक है। तो हम दोनों, तो आपका जो हमारे यहाँ बाहर का एटीट्यूड होता है ना, अभी मैं मेरे को 2-3 दिन से इंटरव्यूज लेने जब आ रहे हैं ना, वो पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड है, हाँ आप तो बहुत ब्राइट हो, लेकिन जो 50-60s वाले हैं उनका क्या, है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ 50-60s वाले अगर खुद को 50-60s वाले और हमको ब्राइट समझने लगेंगे तो हमसे कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 50-60s वाले हैं वो, उनकी एग्जाम के लिए 50-60s वाले, सिविल सर्विसेज के लिए सब इक्वल्स हैं, ठीक है। अगर ऐसे एटीट्यूड से, अगर आपके अंदर भी अभी कोई ऐसा बैठा होगा जिसको अभी लग रहा होगा यार वरुण सामने बैठा है ये बहुत ब्राइट है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, इसके लिए सेलेक्ट हो गया, तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड से अभी यहाँ बैठे हैं तो आप शायद स्टेज पर कभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले ये एटीट्यूड छोड़िए, जो पास होते हैं वो बहुत भारी है। तो मैं ये सेम एटीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए भी था, जो लोग मेरे को बोलते थे बहुत भारी है, तो मैं बोला यार ठीक है अपन से भी हो जाएगा। तो अभी सिविल सर्विसेज का डिसीजन लिया ये तब दिसंबर का टाइम आ गया था, दिसंबर 2012, ठीक है। अब मेरी ज्वाइनिंग जनवरी में थी, मम्मी घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो मम्मी बोल रही थी यार अब तो जॉब करना है, अब मेरे को, मैं थक गई हूँ, मेरे को पैसे चाहिए अभी, और मेरे को सिविल सर्विसेज का भूत चढ़ा था। तब मैं मम्मी 10-15 दिन मेरी मम्मी मेरे से बहुत नाराज़ थी, बोलती नहीं थी, बातचीत हमारी होती थी, लेकिन वो आपको समझता है राइट, मम्मी और बेटे का एक कनेक्शन होता है, आपको समझने लगता है कि आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है। लेकिन तब तक मेरी ज्वाइनिंग की डेट जा चुकी थी, मम्मी भी कुछ कर नहीं सकती थी, तो मम्मी ने भी फिर मेरे को सपोर्ट किया, बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को फुल सपोर्ट किया किसी भी तरीके से। अब आ गया जनवरी का टाइम, जनवरी 2013 मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। जनवरी 2013 मैंने प्रिपरेशन शुरू की, मई 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को प्रीलिम्स देनी है। मेरे पास 4 ही महीने थे प्रिपेयर करने के लिए, तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। 4 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है मैं लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस करता हूँ, मैं अभी उस पर 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेता हूँ उस पर, ठीक है। तो 4 महीने में मैंने न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, प्रायोरिटाइज़ किया, सारे सब्जेक्ट्स नहीं किए मैंने, एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। और मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ वहाँ से, कभी कभी चला जाता हूँ यार नहीं अपना अपनी बस की बात नहीं है। तो मैंने बहुत सेलेक्टेड स्टडी की, बहुत फोकस स्टडी की, 4 महीने में मैंने प्रीलिम्स दी। अब प्रीलिम्स देने के बाद एक फीलिंग आ जाती है यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो अरे वो फीलिंग थी, अरे यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, अब मेंस की तैयारी करना शुरू करना है, ओके ठीक है मेंस की तैयारी शुरू। अब मेंस के लिए ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, अब ऑप्शनल मैं लोगों से पहले बात की थी तो बोला था ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा है, पबैड अच्छा है, बहुत लोग लेते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू की, ज्योग्राफी पढ़ा, वो सविंद्र सिंह उठाया, अरे यार ये क्या बोल रहा है, दो चैप्टर्स इतने ज़्यादा हो गए कि कुछ समझ नहीं रहा था, बोला यार ज्योग्राफी अपने बस की बात नहीं है हटाओ। पबैड उठाया वो थिंकर्स की लिस्ट, अरे बाप रे सर दुखने लगा, तो पबैड हटाया। उसके बाद मैंने एंथ्रो उठाया, वो हटाया, साइकोलॉजी उठाया, वो हटाया। अब इसमें जो है अब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मेरा ऑप्शनल फाइनल नहीं हुआ था। अब ऐसी हालत में क्या किया जाए, मैं चिन्मय भैया के पास गया, अरे चिन्मय भैया ये क्या हो गया है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चिन्मय भैया ने बोला एक काम कर, तो अब तू पोल साइंस पढ़ के देख, ठीक है। तो मैंने पोल साइंस की शुभ्रा रंजन की बुक है, मैंने वो उठाई और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो मैं वो पढ़ा, मैं बोला हाँ यार ये जम रहा है अपने को। लेकिन तब तक मेरा तो अभी भी फाइनल नहीं हुआ था, मेंस के फॉर्म भरने का मौका आ गया था, है ना। अब मैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तो मैं सारी बुक सामने लेके बैठा था, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, है ना, और मैं सोच रहा था मैं ऑप्शनल कौन सा भरूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने वहाँ पे पोल साइंस डाला, और उसके बाद मैंने पोल साइंस लिया, बोला अब ये सब साइड हटाया, मेरा ऑप्शनल पोल साइंस है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद मैंने पोल साइंस की प्रिपरेशन शुरू की। दिसंबर में मेंस थी, मेंस में मेरा GS1 GS2 का पेपर बहुत ख़राब गया था, मतलब मैं ऋषिकेश भैया मेरे साथ ही थे,
है ना। और GS1 का पेपर निकलने के बाद मैं डिप्रेस था, मैं खाना नहीं खाया था, वो ब्रेक होता है बीच में 2 घंटा। मैं बोल रहा था भैया मेरा, मैंने 125 का अटेम्प्ट किया है 250 में से, वो बाद में ज़्यादा था, मैंने उस समय मिस कैलकुलेट किया था। हाँ ठीक है, तो भैया मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया है। हाँ तो मैं एकदम प्रेशर में था, लेकिन अटेम्प्ट कम ही है। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा रीज़न क्या है सेलेक्ट होने का, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है। मैंने मेरे आंसर्स को हमेशा ओरिजिनल रखा है। मैं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से मैंने कभी डाइजेस्ट फॉलो नहीं किया कोई, मैं अपने आंसर्स खुद बनाता हूँ। मैं नोट्स मेकिंग का, मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, 4 फायदे हैं वगैरह वगैरह। नोट्स मेकिंग के 4 फायदे, पहला है फ्यूचर में आपको रिविजन के लिए डॉक्यूमेंट रेडी होता है। दूसरा, अगर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप फ्यूचर में रिविजन करते टाइम आपको समझने लगते हैं कि यार मेरी मिस्टेक यहाँ हो रही है, मेरी मिस्टेक यहाँ हो रही है, आप सेल्फ करेक्शन करते हो। तीसरा फायदा है, आपको जब नोट्स निकलने के लिए, नोट्स के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 4 घंटे लगेंगे ना, तो आप सोचोगे यार टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप बहुत फास्ट लिखने लगते हो, आपकी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बढ़ने लगती है। ठीक है, सबकॉन्शियसली स्पीड बढ़ जाती है, एग्जाम में उसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है। उसके बाद जब आप 1 महीने तक नोट्स निकालते रहोगे ना, तो आपको चीज़ें समझने लगती है, यार ये चीज़ें इतनी बार रिपीट हो रही है ना कि इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको समझने लगता है कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको कौन सी किस सेक्शन को एलिमिनेट करना है ये समझ जाता है। आप जब नोट्स निकालते हो मिनिमम लिखने को ट्राई करते हो, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिनिमम वर्ड्स में कैसे पुट अप करना है ये आपको आ जाता है। तो इसलिए मैं नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा करता था, तो मैंने एक बुक बना के रखी थी, उसमें मैं सारे एग्जाम्पल्स लिखता था। जैसे अभी मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, अभी तक तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था, अभी मुझे 2 दिन पहले पता चला कि मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था, तो अभी पंढरपुर में जो मंदिर है वहाँ पे जो प्रीस्ट की पोजीशन है अभी सारे कास्ट के लिए ओपन कर दी। तो अगर आप वो एग्जाम्पल देखें तो हमारी सोसाइटी में से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरह रिसीड हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से रिसीड हो रहा है, उसका एग्जाम्पल है। तो मैं अपनी नोटबुक में कैसा लिखता, वो एग्जाम्पल लिखता, उसके बाजू में लिखता था कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कास्ट रिडक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह। तो एग्जाम में अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था तो मैं उसको सीधा, मेरा एग्जाम्पल मेरे पास रेडी होता था, तो मैं एग्जाम्पल्स लेके आंसर्स लिखता था। तो मुझे लगता है मैंने पेपर भले ही कम अटेम्प्ट किया है, लेकिन मेरे हर आंसर ओरिजिनल है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि UPSC वालों ने मुझे उसके लिए ज़्यादा मार्क्स दिए होंगे, इसलिए मेरा रैंक इतना अच्छा है। मेरे को जब रैंक का फ़ोन आया, मैं, हम लोग बैठे थे बहिष्कृत में, अनिल भैया मेरे सामने बैठे थे, ठीक है, और महेश भैया भी थे। अब मैं टेंशन एक था ही, भले ही दिखा नहीं रहा था, लेकिन यार रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में। ऊपर गया था पूर्णा ताई से बात करके आया था, तो और डर लग रहा था। ठीक है, नीचे बैठे थे, रिजल्ट आने वाला, मेरे को चिन्मय भैया का फ़ोन, चिन्मय भैया का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो मैं चिन्मय भैया को फ़ोन लगाया, भैया आपने रिजल्ट देखा क्या? तो भैया बोले हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ तो मैंने पूछा भैया आपने रैंक देखी क्या मेरी कितनी है? तो भैया ने बोला 32। मैं बोला हाँ 32 कितना, 132 कितना, 32 है ना। सो भैया ने बोला नहीं ओनली 32। मैं बोला अरे बाप रे, तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अरे यार अपनी ओनली 32 रैंक है ना। सो ये विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि UPSC आंसर्स कैसे इवैल्यूएट करती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो अटेम्प्ट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर आपके आंसर्स ओरिजिनल हैं तो आपके, आप अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम भी होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो अभी से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी से आपका एफर्ट वो होना चाहिए कि आप अपने आंसर्स को ओरिजिनल कैसे बनाओगे। दूसरा, प्रेशर आना बहुत, देखो एबनॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मल रिस्पॉन्स एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है, अगर एबनॉर्मल सिचुएशन में आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो तो आप एबनॉर्मल हो। ठीक है, सो ये जो है एग्जाम की सिचुएशन, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसमें एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, टेंशन आना है ना, पसीने आना, जैसे भैया ने जो बताया कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, तो अगर आप वैसे हो तो आप नॉर्मल हो। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं आ रहा ना उसको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो टेंशन फील होना ज़रूरी है, बट वो टेंशन में आप खच जाते हो या उसको और फाइट बैक करते हो। मैं हमेशा क्लास में एक एग्जाम्पल देता हूँ टाइम टेबल्स का। मुझे लोग पूछते हैं प्लानिंग कैसे करनी है, सब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो टाइम टेबल्स कैसे बनाना है, प्लानिंग कैसे करनी है, तो मैं मेरा टाइम टेबल कैसे बनाता था मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो टाइम टेबल सब लोग बनाते हैं, तो मैंने भी टाइम टेबल बनाया है। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं, दूसरे होते हैं जिसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, वो पर्पसफुली वायलेट नहीं करते, लेकिन कभी यार कुछ मूवी देखने का मन कर गया है ना, किसी ने बुला लिया, घर पे से फोन आ गया, तो टाइम टेबल वायलेट हो जाता है। ठीक है, सो पहले होते हैं जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं, दूसरे होते हैं जिसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। जिनसे जो फॉलो करते हैं भाई डन बेस्ट, जिनसे फॉलो नहीं होता उनमें वापस से 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो टाइम टेबल वायलेट नहीं, फॉलो नहीं हुआ, यार क्या होगा, यानी मैं UPSC क्रैक कर पाऊंगा क्या, यानी टाइम टेबल की जो प्रॉब्लम है वो UPSC क्रैक करने तक पहुंच जाती है। ठीक है, सो एक ये क्लास के होते हैं, और दूसरा जो बंदा होता है टाइम टेबल फाड़ता है, बोलता है मेरे पास इतना टाइम बचा है, इतना स्टडी बचा है, मैं नया टाइम टेबल बनाता हूँ।
ठीक है. सो आपसे जो गलतियां हो गई हैं आपके और सोचने से वो गलतियां करेक्ट नहीं होंगी. ठीक है, आपका काम ये है जो गलतियां हो गई हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए आगे की आप प्लानिंग कैसे कर रहे हो. ठीक है, सो मेरी टाइम प्लानिंग में हमेशा यही होता था, मैं रोज़ सुबह टाइम टेबल बनाता था. ठीक है, आज प्लानिंग किया है कि इकोनॉमी करना है एंड रोज़ नहीं होता था, यू गेट माई पॉइंट है ना. सो आज दो सब्जेक्ट करने हैं, अगर नहीं होता था तो फिर मैं वापस से प्लान बनाता था. मैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर करता था मैं ये बताता हूँ, मैंने क्लास में बहुत बार बताया. हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको 10 टर्म्स नए दिखाई देते हैं ना, कि यार मेरे को ये 10 टर्म्स की स्टडी करनी है आज. तो मैं एक नोटबुक बनाई थी, मैं उसमें वो सारे टर्म्स लिखता था कि आर्टिकल 72 पढ़ना है, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ने हैं. ठीक है, ऐसे. उसके बाद मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाता था तो मैं इंटरनेट पर रोज़ 2 घंटा का मैंने टाइम रखा था कि 2 घंटा बैठ के वो टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना है. तो इंटरनेट पर बैठे तो कई बार क्या होता है, 10 टॉपिक्स आपने लिखे तो 5 ही टॉपिक्स हो पाते हैं. किसी दिन अपने को आलस हो जाता है तो अपन 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा पढ़ते हैं. ठीक है, सो ऐसे करके वो 5 हो गए तो दूसरे दिन में चले जाते हैं, तो आपके दूसरे दिन ऐसे बैकलॉग जो है बढ़ता जाता है. तो कई बार क्या होती है, वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है. फिर एक दिन सडनली टेंशन आने लगता है, यार ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई है ना, अब इसको क्लियर करने में अपना पूरा दिन जाएगा. तो जब ऐसा होता था तब मैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता था, वो बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे. ठीक है, सो अभी जो गलतियाँ हो गई हैं ठीक है उनको करेक्ट करना चाहिए. न्यूज़पेपर्स के केस में काम करता है क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें रिपीट होती है ना. आपने जो 1 महीने पहले पढ़ा था अगर वो इम्पॉर्टेंट होगा तो उसको कोई ना कोई फॉलोअप करेगा. ठीक है, तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ दिखेगी, आप फ्यूचर में उसको वापस से इंटरनेट पर रेफर कर सकते हैं. तो मैंने न्यूज़पेपर के केस में ये बैकलॉग क्लियरेंस का केस चलता है. ठीक है, सो इस तरह से मैंने मेरी यूपीएससी की तैयारी की, मेंस क्लियर हो गए. ठीक है, अभी इंटरव्यू में क्या करना है ना. इंटरव्यू में जाते टाइम मैंने तो पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है, है ना. मैं जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया है, लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है. सो मुझे पता नहीं था क्या करना है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू तक मेरे को टेंशन था कि मेरा इंटरव्यू कैसे होगा, इसलिए मैंने कहीं पर भी मॉक टेस्ट नहीं दिया. और एक्चुअली उसका एक और रीज़न मैं बाद में बताऊंगा मैंने कहीं पे मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिया. मैंने कहीं पे मॉक टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार कहीं पे जाऊंगा कोई डरा वरा देगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे नहीं आएगा तो मैं यूपीएससी इंटरव्यू में जाके क्या करूंगा, है ना. तो इसके लिए मैंने कहीं मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैंने सर के पास एक दिया था और यशदा में भैया लोग सब लोग जा रहे थे, मैंने बोला मेरे भी पैसे भर देना, मैं वहाँ पर भी दे आऊँगा. ठीक है, सो मैंने खाली ये 2 जगह पर मॉक टेस्ट दी. तो इंटरव्यू हॉल में जब गया तब मेरे को यानी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था यार इंटरव्यू कैसे देना, इसलिए ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था. ठीक है, तो मैं अंदर गया, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मैं बहुत फ्रैंकली डिस्कशन कर रहे थे. और मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा है मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उनको 1-2 जगह पे मैंने मिस्टेक कर दी थी. एक एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है, मैंने इलेक्शंस का क्वेश्चन था कि इलेक्शंस हुए हैं, मेरा May 15 को इंटरव्यू था, 16 को रिजल्ट था. इलेक्शंस हुए हैं, कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, आपने वोट किया क्या? मैंने बोला नहीं किया सर. तो बोले क्यों नहीं किया? बोले मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था. तो बोले वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था तो एक प्रोसीजर होता है जिससे आप वोटिंग लिस्ट में नाम इंक्लूड करवा सकते हैं, आपने चेक करके इंक्लूड क्यों नहीं करवाया? तो मैंने बोला सर ऐसा है, मैंने वो प्रोसीजर फॉलो किया था, बट पुणे में जो है 1.5 लाख लोग के नाम जो है वोटिंग लिस्ट से मिसिंग थे, तो उसमें मेरा भी एक नाम है, मेरी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी पुणे नहीं है. ठीक है, सो मैंने इस तरह से वहाँ पे, और ये जैसे ही मैंने स्टेटमेंट बोला ना तुरंत आई रियलाइज्ड, अरे यार आई हैव गॉट माईसेल्फ इनटू अ सूप. अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मैं मर गया, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं. ठीक है, सो ऐसी चीज़ें भी हुई हैं इंटरव्यू हॉल के अंदर, मैं इतना अनप्रिपेयर्ड था. सो इसलिए आप मॉक दे रहा, ठीक है, लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है. बाहर जैसे लोग डराते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है. जो लोग इंटरव्यूज नहीं दिए हैं ना वो डराते ज़्यादा हैं. जो इंटरव्यूज देके आए हैं आप उनसे बात करेंगे ना तो वो बताएंगे नहीं यार मस्त है, चिल रहते हैं, आराम से जाओ देख के आओ. तो उसके बाद आज का दिन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ. मैं जो दूसरा मुद्दा बता रहा था कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, मॉक इंटरव्यू मैंने दूसरी जगह क्यों नहीं दिया. मैं जब मैंने यूपीएससी करने का डिसीजन जनवरी 2013 में लिया था तब मेरे पास टाइम बहुत कम था, 4 महीना, और मेरे को कौन से बुक्स रेफर करने में को ये भी पता नहीं था. तो मैं उस समय था कि यार कोचिंग तो लेना है. तो भूषण नाम का मेरा एक रूममेट है, भूषण कांबड़े, तो उसने बोला यार मैं चाणक्य में लगाया है, वेरी गुड कोचिंग क्लासेस है, तो तू आके बात कर ले. लेकिन मैंने बोला यार फीस कम आ जा रहा है. मम्मी उस समय मेरी नाराज़ थी कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं फ़ीस के लिए बोलूँगा तो मम्मी मार ही देगी मुझे, है ना. तो मैं बोला यार फीस का तो प्रॉब्लम है, क्या किया जाए. तो मेरे को रूपाली ताई से मिलाने आया. ठीक है, और रूपाली ताई मेरे ख्याल से शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं मिला था चाणक्य मंडल में, और इतनी फ्रेंडली थी कि मुझे लगा यार बस अब यहीं आना है. ठीक है, इतना अच्छे से मेरे से बातचीत की थी. मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया, वो सर तक गया, ताई तक गया, मेरा एप्लीकेशन फर्स्ट बार में अप्रूव हो गया था. मैंने 5,000 रुपये भरे, अभ्यास महोत्सव का खर्चा था, मतलब मैंने क्लासेस का एक्चुअली कुछ नहीं भरा है. मैंने बिना कुछ पैसे भरे मैंने प्रीलिम्स का कोर्स किया, मैंने मेंस का कोर्स किया, मैंने इंटरव्यू का कोर्स किया. और उसके बाद जब इंटरव्यू मॉक देने का बात आया ना, मैं बोला यार मैं अभी मॉक देने जाऊंगा, ये क्लासेस वाले बाद में अपने पोस्टर निकालेंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट से उसमें मेरा नाम डाल देंगे कि ये बंदे ने यहाँ पे कोचिंग ली है. सर ने ताई ने बिना पैसे लिए
मुझ पर एक साल तक मेहनत की है और एंड में क्रेडिट कोई और ले जाएगा, तो इसलिए मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मैं कहीं पे मॉक नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं जब इंटरव्यू से पहले सर से मिलने गया था, तब सर ने पूछा दिल्ली में जाके इंटरव्यू देने वाले हो क्या, तो मैंने उस समय सर को ना बोल दिया था ये बोल के कि सर मुझे इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मेरा एक्चुअल रीज़न ये था, मैं बोला दिल्ली वाले क्यों क्रेडिट ले जाए, मैं पुणे में कोर्स किया। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी की पूरी स्टोरी है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, एक्चुअली 15 मिनट में अपना प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो इसके लिए समय की पाबंदी की वजह से अपन नहीं बात कर पाएंगे। मैं होप करता हूँ फ्यूचर में अपन वापस से मिलेंगे और अपन और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।